अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में किस तरह से कपड़े वॉश किए जाते हैं। बट आज की वीडियो है कि ईरानी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसका मैं बताती चलूँ, इसका ब्रांड जो है दैट इज़ मीडिया, और मॉडल नंबर इसका है TW6912W, और इसकी कैपेसिटी भी यहाँ पे 12 kgs है। थोड़ी सी गंदी कंडीशन में है, आई मीन इट्स नॉट दैट क्लीन, बट इट्स ओके। हम इसकी वर्किंग पे बात करेंगे और बाकी देखेंगे कि क्या कंपैरिजन है ईरानी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का और पाकिस्तानी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। यहाँ पे इसके थोड़े से फीचर्स बताती चलो, यहाँ पे है एक्वा 3+, ठीक है, और ये इसके कांस्टेंट फ्लो का बताया है, 3D फ्लो का बताया है, और इसके फ्लो के बारे में इन्होंने बात किया कि किस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी काम करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है वो फ्रंट साइड पे है, डिजिटल पैनल आपके सामने है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले हम इसमें कपड़ों का एक्सपीरियंस भी करते हैं कि कैसे कपड़ों की वॉशिंग होती है। सबसे पहले इसका जो टब है कुछ इस तरह से है, और हमारी पाकिस्तानी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला लगता है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। और डिटर्जेंट बॉक्स ये रहा आपके सामने, ये इजीली बाहर निकल आया है, हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हायर की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपने देखा कि वो मुझे बिल्कुल भी उसको डिटर्जेंट बॉक्स को बाहर निकालना नहीं आता, और यहाँ पे इसका जो डिटर्जेंट बॉक्स है वो छोटा है। मे बी उसकी रीज़न ये हो कि इनके यहाँ डिफरेंट डिटर्जेंट यूज़ किए जाते हैं, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अभी मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, और ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, ठीक है, तो उस हिसाब से शायद ये कम यूज़ होता हो। अब इसके अंदर हम डालेंगे कपड़े जिनकी हमने करनी है वॉशिंग, ठीक है, सारे इसी के अंदर है, मतलब एक अदद ये चादर है और बाकी कपड़े इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर डिटर्जेंट, और यहाँ पे डिटर्जेंट की क्वांटिटी मैं अपने हिसाब से लूँगी। कपड़ों की क्वांटिटी तकरीबन हाफ टब के इक्वल है, तो यहाँ पे इसका डिटर्जेंट बॉक्स हाफ ही हमें लेना चाहिए, लेकिन मैं हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी। दिस इज़ हाफ, और कुछ मैं इसके ऊपर से भी डाल दूँगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसका डिजिटल डिस्प्ले किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम इसको करेंगे पावर ऑन, ठीक है, उसके बाद वॉश पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मिनट्स दिए गए हैं कि आपको 6 मिनट्स चाहिए, 9 चाहिए, 12 चाहिए। मेरे हिसाब से 6 भी बहुत होंगे, बट मैं आपको दिखाती चलूँ, ऐसे नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे मे भी आपको नज़र आ जाए, मैं कोशिश करती हूँ दिखा सकूँ आपको। लाइक ये आप देख सकते हैं, अभी जो मिनट्स इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो मिनट्स जो हैं वो 12 मिनट्स हैं, बट मुझे 6 चाहिए, या मिनिमम 6 चाहिए, मैक्सिमम 9 चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी प्रेस करके। अब यहाँ पे क्या आ गया, 6, ठीक है, मैं आपको दिखा, ये आ गया 6, ठीक है, 6 मिनट्स पे इसको मैंने सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है टाइम, यानी रिंस, ये वॉश था, ये रिंस है इसके बाद, तो रिंस यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट 2 पे है, तो मुझे भी 2 ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पिन की बारी आती है, तो स्पिनिंग टाइम यहाँ पे मैक्सिमम जो है 5 मिनट्स पे अभी सिलेक्टेड है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है वाटर लेवल, वाटर लेवल की बात करें तो 1:1.22 चाहिए, 3.4 चाहिए, 5.6 चाहिए, मतलब मिनिमम फ्लो ये होगा वाटर का, मैक्सिमम मीडियम जो है, आप इसको मीडियम 3.5 को मीडियम कंसीडर करें, एंड दिस इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पे कपड़े की क्वांटिटी आपने देखा हाफ टब थी, उसके अकॉर्डिंग 3.4 भी ठीक है, लेकिन 5.6 भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अभी ये 3.4 सिलेक्टेड है, ये ब्लिंक भी कर रहे हैं और रेडिश भी आपको नज़र आ रहे हैं। मैं आखिर पे आपको एक और चीज़ बताऊंगी जिससे आपको मज़ीद समझ आएगी। यहाँ पे डिले टाइम है, यहाँ पे अब इसका प्रोग्राम या फंक्शंस आते हैं, ठीक है, ये अब डिफरेंट इसके फंक्शन हैं कि आपको पहले वाला, ये वाला जो है टॉप पे, ये है आपको नॉर्मल और क्विक चाहिए,
यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। दूसरे वाला ये है ऑप्शन, ये जीन्स के लिए है और एंटी रिंकल, ये जीन्स एंड एंटी रिंकल। तीसरे वाला ये है सिल्क और एयर ड्राई, यहाँ पे सिल्क और एयर ड्राई का ये है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला नॉर्मल और क्विक वाला सेलेक्टेड है, ठीक है। बट मैं अपने स्टफ के अकॉर्डिंग जो है सिल्क और एयर ड्राई सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे सिल्क एंड एयर ड्राई ये वाला है ये, अब यहाँ पे ये सिलेक्टेड है सिल्क एंड एयर ड्राई, ठीक है। उसके बाद बारी है यहाँ पे टेम्परेचर की, यानी आपको अपने वाटर का टेम्परेचर कैसे चाहिए, कोल्ड चाहिए, वार्म चाहिए या हॉट चाहिए। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके देखा है, कोल्ड सेलेक्ट हो जाता है, हॉट भी सेलेक्ट हो जाता है, बट मीडियम जो वार्म है वो सिलेक्शन उसकी नहीं होती। सो आइदर हम कोल्ड पे जाएंगे या फिर हॉट पे जाएंगे। अभी बाय डिफॉल्ट ये कोल्ड पे है, लेकिन मैं इसको हॉट पे कर लेती हूँ। यहाँ पे ये हॉट पे चला गया, ठीक है। जब हम ये तमाम सेटिंग कर लेंगे अपने स्टफ़ के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमने यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है, इसको हमने सिंपली स्टार्ट करना है, तो हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल रिक्वायर्ड टाइम जो है इस फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, दैट इज़ 60 मिनट्स। मतलब ये तमाम प्रोसीजर जो है 60 मिनट्स में कम्प्लीट होगा, यानी एक घंटा इसके लिए रिक्वायर्ड है। चूँकि ये लॉन्ड्री एरिया रूफ टॉप पर है, तो उसकी वजह से यहाँ सामने मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोशनी है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डिजिटल पैनल जो है इसका प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। सो जब आप फिज़िकली यहाँ पे मौजूद हूँ तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट कैमरे में इतना प्रॉपर नज़र नहीं आता, इसी वजह से आपको प्रॉपर इतनी सिलेक्शन इनकी नज़र नहीं आ रही, सब सेम लग रहा है। जब करीब से हम जूम करते हैं तो उस वक्त इसकी सेटिंग की समझ आती है, ठीक है। और आई होप कि आपको कुछ समझ आ गया। वर्किंग हम इसकी देखेंगे, ट्राई करूँगी कि मैं आपको बीच बीच में इसकी वर्किंग दिखाऊँ, बट टॉप पे ये स्टिकर है इसकी वजह से और इतना क्लियर नहीं है इतना हमें कि वॉशिंग मशीन के अंदर क्या हो रहा है प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं, मे बी एंड पे मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट्स दिखाऊँ और डिफरेंस बताऊँ। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन को ऑन किया और यहाँ पे वाटर फ्लो इसका स्टार्ट हो गया। अगर आपको नज़र नहीं भी आ रहा तो आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। सो यहाँ पे हमारी वॉशिंग का प्रोसीजर हो चुका है स्टार्ट, और देखते हैं कि ईरानी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पाकिस्तानी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की नस्बत से किस तरह से काम करती है। सो मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखा दिया जाए। इस वक्त मैं ईरान में मौजूद हूँ और इसी तरह ईरानी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, सो कनेक्टेड रहिएगा। यहाँ पे आफ्टर 60 मिनट्स वॉशिंग हो चुकी है कंप्लीट, और देखते हैं कि मीडिया ने क्या गुल खिलाए हैं। मीडिया ने गुल जो खिलाए हैं वो गुल हमारे सामने हैं। बिल्कुल यहाँ पे कपड़े वॉश हो चुके हैं, ये स्वेटशर्ट मौजूद है, स्टफ़ जो था मिक्स एंड मैच था, ये जो है ये ज़रा क्रिंकल या जॉर्जेट कह लें, जॉर्जेट वाला पतला सा है, और इसमें कुछ मैंने वाइट स्टफ़ भी ऐड किया था। यहाँ पे स्वेटर भी देखा जा सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छी धुलाई हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इस वॉशिंग मशीन में कपड़े लाइक बटन्स या जिप्स बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के ये जो हुक्स हैं दे आर सो ओके, कहीं पे डैमेज नहीं है, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। सो मेरा एक्सपीरियंस ईरानी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ बहुत अच्छा गया। दिस इज़ बाय द वे माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एवर विद फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन विद 12 kgs हेयर इन ईरान। आई एम श्योर वीडियो आपको मेरी तरह बहुत अच्छी लगी होगी, जैसे मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा गया, ऐसे आपका वीडियो के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया होगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। ईरान से अल्लाह हाफिज़।